मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन, इस पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो बिंदु है बहुत इम्पोर्टेंट है, कृषि व पशुपालन जिससे प्रदेश ने पूरा देश जुड़ा हुआ है, देश का 75% चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो कृषि से जुड़ा हुआ है और किसान से जुड़ा हुआ है। सरकारें कितनी आई कितनी गई, लेकिन आज भी किसान की दिशा और दशा जिस प्रकार से है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज किसान अपने हकों के लिए राजधानी की बॉर्डर पर लड़ रहा हो, गांव की चौपाल पर लड़ रहा हो या पहले लड़ा हो, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय सभापति महोदय, चाहे पशु की बात करो या कृषि की बात करो, ये आदि अनादि काल से एक साथ एक दूसरे का पर्याय बना हुआ है। अनादि काल में भी पशु या पक्षी हो उनकी सवारियां देवी देवताओं के द्वारा की जाती थी, और आज जिस प्रकार से पशु और पक्षियों की दशा हो रही है कि प्रकृति का जो नियंत्रण है, ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया हर वर्ग के लिए, पशुओं के लिए इतना प्रतिशत, पक्षियों के लिए इतना प्रतिशत, पानी के लिए इतना प्रतिशत और मनुष्य के लिए इतना प्रतिशत आरक्षित किया गया, लेकिन जिस प्रकार से पिछले लंबे टाइम से प्रकृति के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, समय पर बारिश नहीं हो रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, सर्दी जितनी पड़नी चाहिए थी उतनी नहीं पड़ रही है, फसल जो पैदा होनी चाहिए थी होनी हो रही है। आज जिस प्रकार से देश का प्रदेश का किसान आवारा जानवरों से आवारा पशुओं से जिस प्रकार से परेशान है, क्योंकि उसका जो घर था उसका जो अधिकार क्षेत्र था उस पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं अधिकार किया है, अतिक्रमण किया है। आज नील गाय से किसान परेशान है, आज हिरण से किसान परेशान है, आज सोर से किसान परेशान है, किसान लाइट से परेशान है, किसान प्रकृति से परेशान है, किसान सरकार से परेशान है, तो आखिर किसान जाएगा तो कहाँ जाएगा? माननीय सभापति महोदय, किसान जिस दिन खेत पर जाता है, रात को जाता है, दिन को जाता है, अपनी जान को हथेली पर लेकर जाता है, कभी उसकी मौत लाइट से होती है, कभी बिजली पड़ने से होती है, कभी खेत से फसल तैयार करके घर पे लाता है ट्रैक्टर पलटी खाता है उससे होती है, या कभी घर से फसल को लेकर मंडी जाता है वहां पर एक्सीडेंट से उसकी मौत होती है। सरकार के जो नियम और कानून बने हुए हैं वो परे हैं। आज खेत पर जो राजीव गांधी कृषक साथी योजना है उसमें किसान की मृत्यु पर कृषि कार्य करते हुए 2 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उसमें भी मापदंड है कि वो एक्सीडेंट हो। अब रात की 12 बजे अगर किसान खेत पर पानी करता है, 2 डिग्री का टेम्परेचर है और उस 2 डिग्री के टेम्परेचर में उसका हार्ट अटैक आ जाता है या अधिक ठंड से उसकी मौत हो जाती है, उस पर उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। किसान अगर किसी के यहाँ मजदूरी करता है, वो किसान नहीं, उसका एक बिस्वा जमीन नहीं है, वो मजदूरी करता है, उसको आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। अगर वो फसल बेचने जा रहा है और खेत फसल बेचते टाइम पर बोली लगाते टाइम पर उसका अटैक आ जाता है, उसको आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री मोदी सर सरकार से निवेदन है कि नियमों में शिथिलता की जाए, क्योंकि इसके उदाहरण मैंने अभी हाल ही देखे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति लहसुन बेचने गया, उसको भाव बढ़िया नहीं मिला, उसका अटैक आ गया, वहीं डेथ होगी उसकी। दूसरा व्यक्ति गेहूँ लेकर गया, उसको भाव लगा नहीं उसके पहले, उसके अटैक आ गया, उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। तो मेरा माननीय मंत्री मोदी से निवेदन है कि इस प्रकार की नियमों में शिथिलता की जाए कि कृषि कार्य करते, इसी प्रकार से एक और नियम है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चा चाहे बालक हो या बालिका हो, अगर कृषि कार्य करते हुए उसकी मौत होती है उसमें मुआवजा नहीं दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, किसान का बेटा जब पैदा होता है और जब घुटने के बल चलना सीख जाता है उसके बाद वो किसान के साथ खेत में जाता है, चाहे वो रखवाली के लिए बात हो, कटाई की बात हो या पिलाई की बात हो, और इस प्रकार की जो नियमों में जो बाध्यता है उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता की जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है पुराने जमाने से कि पहली रोटी जब घर में चूल्हा जलता है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। ये संस्कार थे हमारे इस देश की सभ्यता के, संस्कृति के, लेकिन आज वो सभ्यता और संस्कृति खत्म हो चुकी है। ना गाय की रोटी निकाली जा रही है, ना कुत्ते की रोटी निकाली जा रही है, और उन दोनों का हक कौन खा रहा है आप और सब परिचित है। इसलिए मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब किसान
खून पसीना बहाकर उसकी फसल को तैयार करता है, मंडियों में जाता है, मंडियों में उनके लिए टीन शेड नहीं है, बरसात आती है और बरसात में उसकी फसल भीग जाती है या बह जाती है, वो फसल भीगने और बहने के बाद उसका भाव डाउन हो जाता है। इसलिए ये नियम बनना चाहिए कि जब फसल तैयार होकर खेत से मंडी में पहुंच जाए तो चाहे वो भीगे या बहे, लेकिन उसका जो उचित मूल्य है वो किसान को मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे अभी प्रतिपक्ष के नेता बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि सरकार, राजस्थान सरकार ये नहीं कर रही, केंद्र सरकार ये कर रही है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज इस देश का 75% लोग के पास 8 बीघा जमीन है, किसी के पास 7 बीघा जमीन है, किसी के पास 9 बीघा जमीन है, और उसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर करता है। तो बच्चे की पढ़ाई करता है, बच्चे की शादी करता है, हरी बीमारी का इलाज कराता है और समाज में स्वाभिमान बनाकर रहना चाहता है। लेकिन अगर उसका उपज और उसकी लागत को दोनों को देखा जाए तो वो उसमें अपने जीवन का जीविकोपार्जन कर पाता। पहले लोग छोटे मकान होते थे लेकिन दिल बड़े हुआ करते थे, आज दिल बड़े हैं, दिल मकान बड़े हैं और दिल बहुत छोटे हो चुके हैं, संस्कार खत्म हो चुके हैं। हम केवल किसान के ऊपर भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो किसान की मूलभूत आवश्यकता है, जो किसान को जरूरत है, उन चीजों पर हम विचार करना नहीं चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक फसल बीमा योजना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लागू की थी, वो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 2016 और 2017 में जो बीमा कंपनियों के द्वारा प्रीमियम वसूला गया वो है 63,000 करोड़ रुपए, और जो किसानों को मुआवजे के रूप में दिया गया 60,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इंश्योरेंस कंपनियों ने वसूला। और इसकी जब ध्यान में आया तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, जम्मू कश्मीर हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ की सरकार ने इसका विरोध किया। और अभी हाल ही जब यह चीज सब धीरे धीरे समझ में आई तो चाहे गुजरात की बात करो, हरियाणा की बात करो, केरल की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, तेलंगाना की बात करो या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करो, यहाँ की सरकारों ने भी प्रीमियम देने से इनकार कर दिया, समय पर प्रीमियम नहीं दिया। उन्होंने जब इसका मंथन किया तो ये किसानों के साथ कुटाला घाते अधिक केवल इंश्योरेंस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। साथ ही माननीय सभापति महोदय, जब फसल खराब होती है सरकार निर्देश जारी करती है, पटवारी और कृषि प्रवेश की रिपोर्ट देता है, पटवारी की रिपोर्ट अलग आती है और कृषि प्रवेश की रिपोर्ट राजस्व विभाग की रिपोर्ट अलग आती है, दोनों में भिन्नता होने के कारण बीमा कंपनियां होती है वो किसान को मुआवजा नहीं दे पाती है। और कई बार तो देखने को मिलता है कि साहब जब किसान केसीसी लोन लेने जाता है उसका क्लेम बीमा कंपनी के द्वारा काट लिया जाता है, बैंक के द्वारा काट लिया जाता है, लेकिन वो समय पर बीमा कंपनी के पानी जाने से उसका क्लेम नहीं मिल पाता। इसलिए नियमों में शीतलता दी जाए और किसानों को भला करने के लिए हम सब लोगों को सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 कृषि पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।